हेलो फ्रेंड्स, यो रेसिपी से मैं प्रीति गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट ब्राउनी आइसक्रीम। तो आइए जानते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। क्रीम 1 कप, कंडेंस्ड मिल्क 3/4 कप, चॉकलेट ब्राउनी 1 कप और वेनिला एसेंस 1 टेबल स्पून। तो आइए अब हम चॉकलेट ब्राउनी आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले क्रीम को अच्छे से व्हिप करेंगे। हमें इसे तब तक व्हिप करना है जब तक कि ये अच्छे से एक थिक कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाती। ये देखिए, हमारी क्रीम अब अच्छे से व्हिप हो गई है। ये अब बहुत थिक हो गई है और अब हम इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क डालकर इसे 2 मिनट और व्हिप करेंगे। कंडेंस्ड मिल्क आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने की रेसिपी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देखकर घर में ही कंडेंस्ड मिल्क बना सकते हैं। ये देखिए, हमने इसको 2 मिनट व्हिप कर लिया है और अब हम इसमें वैनिला एसेंस डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे कवर करके तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। ये देखिए, हमारा जो हमने आइसक्रीम मटेरियल फ्रीज़र में रखा था उसको अब हमने फ्रीज़र से निकाल लिया है और अब हम इसे अच्छे से एक बार और व्हिप कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से व्हिप कर लिया है और अब हम इसमें ब्राउनीज़ के पीसेस जो हमने कट कर लिए थे उनको हम डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट ब्राउनीज़ भी आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देखकर घर में चॉकलेट ब्राउनी बना सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसको हम फिर से कवर करके हम इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। ये देखिए, हमारी चॉकलेट ब्राउनी बन के तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।